ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने के लिए तो बात, सुनाने की बात तो यहाँ होती है ना, बाबा तो यहाँ ही आते हैं ना, तो साकार ब्रह्मा तन का आधार लिया और हमें ज्ञान सुना रहे और हम उसके मुख्य वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए खुशी? इतनी इतनी कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं तो कितना खुशी होती है। हाँ, इसका फादर 5-10 लाख कमाते तो उसको कितनी खुशी होती है। हाँ, मेरा बाप इतना कमाता है। यहाँ तो बाप बेट तुम्हारा खजाना भरता है। हाँ, 5-10 लाख तो कुछ नहीं है, सत्युग में कैसे रहेंगे हम? सोने के महलों में रहेंगे। अभी भले हमारे पास कुछ नहीं है, फूटी कोड़ी भी नहीं है, कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो माताएं आती है, गरीब माताएं आती है, उसके पास कोई 5 रुपए डालने के लिए भी भंडारी में नहीं होती है, लेकिन उसका प्यार कितना है, है ना? उसका 5 रुपया कितना, 5 करोड़ के बराबर है ना। तो बाबा ऐसी मीठी मीठी बोली बोली माताओं को कितना प्यार देते हैं ना। तो वहां तो तुम्हारा बैठ तुम्हारा मैं खजाना भरता हूं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक समय था ना तो भारत को क्या टाइटल मिला था? भारत सोने की चिड़िया था। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे। अब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई मुक्ति को कोई पाता नहीं है। मनुष्य तो समझते हैं कि इन सब रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं। मनुष्य को तो ऐसा है ना, जितना दान पुण्य करेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर वही दान पुण्य से वो कोई गलत काम करता है तो पाप किसके ऊपर चढ़ता है? हमारे ऊपर चढ़ता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि दान पुण्य करते हैं तो पात्र देखकर दान करो, है ना। आजकल तो किसी को खिलाते हैं तो भी उसको कुछ पसंद नहीं आते, हर सबको पैसा चाहिए, ऐसा है। तो मनुष्य समझते इन सब रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार है? अगर वह वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। अब बच्चों को बाप ने समझाया है वापस कोई भी जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का तुम्हें सार समझा। इन द्वारा माने कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। बाबा ने कितने गुरु किए हैं? 12 गुरु किए थे। पढ़ा लिखा है, बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ। आपने जो भी अभी तक पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, क्योंकि बाबा का ज्ञान सत्य ज्ञान है और सब तो दुनिया में झूठा है। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वृक्षपति चैतन्य है, आत्मा है तो सब चैतन्य है ना। आत्मा है तभी तो आप सब बैठे हो ना यहाँ चैतन्य रूप में। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने। आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है। अगर यहाँ अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ज्ञान योग धारण करेंगे तो सत्युग में भी हमारा कैसा सीट अच्छी होगी ना। किसमें आना है? 16108 के 33 करोड़ के 9 लाख किसमें आना है? 16108 में आना है। सारा मदार हमारी पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट ही है हमारा। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, नर से नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं। देवी देवता धर्म कहाँ था? सत्युग में। तो वहां एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जो भी है वो सब एक ही होता है। तो जहां एक है वहां कोई लड़ाई झगड़ा होता है नहीं। जब दो होता है, अद्वैत होता है, तब लड़ाई झगड़ा होता है।
होती नहीं, वहां विकार की बात होती नहीं, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जवाब वकील आदि भी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं होगा सत्युग में। अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है, कोई भी राज्य में जाएंगे, जितनी राज्य में जाएंगे हम घूमेंगे फिरेंगे तो वहां की भाषा अलग अलग होती है, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब तो अद्वैत्य धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत्य व देवता एक अक्षर हो जाता है, अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं, वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम यह हमारी स्पेस है, यहाँ तो बोलते ना जमीन का टुकड़ा बोलते हैं, ये मेरी जमीन है, ये तुम्हारी, ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, वहां तो कोई भी नहीं होगा, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो, वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि यह हमारी स्पेस है, हमारी जगह है, यहां से तुम पास न करो, यहां से तुम पास न करो, यहां तो एक दूसरे को डराते रहते हैं, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आकर बैठा है, भले घर में बैठे है लेकिन तो भी आजकल तो मोबाइल में कितना है, मोबाइल से ही सब बातें हो रही है, हा? तो दुनिया में साइंस की भी क्या क्या कमाल होती है, और सत्युग में मोबाइल होगा, होगा मोबाइल, बहन जी हमको याद करेंगे हम उधर पहुंच जाएंगे, है ना, अभी तो फोन से बोलना पड़ता है, वहां तो फोन होगा ही नहीं, शुद्ध संकल्प टेलीपथी जिसको बोलते हैं, आपने संकल्प किया आज हम बहुत दिन से आपको याद, कभी ऐसा होता है ना घर में भी किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं, देखो सामने वो आ जाता है, तो यहाँ जब ये सब बातें चल रही हो सकती है तो सत्युग में क्यों नहीं होगी, वो तो है ही निर्विकार है दुनिया, पवित्र दुनिया, तो वहां तो कितना मन से याद करो, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि मन से मुझे याद करो, बाबा आ जाओ, कोई घर में नहीं है, माता है अकेली है, कुछ लाना है, बाबा किसी को निमित्त बनाकर आपके सामने बिठा देगा, ला देगा, सबको अनुभव है ना, कैसे बाबा मदद करता है, इसलिए जहां भी जाओ बाबा चलो मेरे साथ, चलो बाबा मेरे को खाना खिलाओ, हाँ मेरे को पानी रखे दो, उसको ऑर्डर छोड़ो, वो करके दिखाएगा आपको, तो बाबा को हमेशा साथ में रखो। यहां तो एक दूसरे को डराते रहते, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है, तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आस पास की नदियों पर होंगे, और बम्बई रहेगा नहीं रहेगा, हाँ हमारा बम्बई देखो कहाँ चला जाएगा, जल पूरा जल है ना बम्बई में, हाँ तो बाबा कहते हैं कि भारत में ही होगा, स्वर्ग कहाँ होगा, यमुना के कंठे पर ही होगा, वहां सदैव बहारी मौसम होती है, अभी तो कहाँ ठंडी कहाँ गर्मी, ऐसा कभी बारिश, देखो बारिश भी कमाल कितना करती है, कितना बारिश आती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, क्या क्या होता है, और सत्युग में कुछ नहीं होगा, बहारी मौसम होगा, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है ना, तुम समझ सकते हो हम कैसे देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर से तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, निरंतर मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बाबा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, खाली बुद्धि से मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, हाँ इसमें ही मेहनत है ना, हम बाबा को याद करने बैठते हैं, घड़ी घड़ी माया आती है और हमारी याद भुला देती है, कभी बच्चों की याद आ जाती है, कभी पति की याद आ जाती है, क्या क्या होता है, हाँ कभी घर में कोई आया मेहमान आने वाले, क्या क्या बुद्धि में चलते, बैठे आप यहाँ स्थूल में यहाँ हो लेकिन मन से घर में पहुंच जाते हो, है ना, बुद्धि का विमान आपका वहां उड़ जाता है ना? तो घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से उल्टा काम भी कर लेते हैं, पहला विकार विकार है ही देह अभिमान का, यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, देही अभिमानी न होने के कारण फिर काम आदि विकार दस लेते हैं, बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को भू भू करते रहो, करोड़ों मनुष्य आत्मा आती है उसको
बोलते हैं ना वो भौंरा क्या करता है, भूंगू करके सब मक्खियों को लेके आता है, भूंगू करता रहता है। तो यहाँ भी हमको ज्ञान की भूंगू सबको करनी है, पीछे वो आवे नहीं आवे उसका तकदीर, लेकिन एक बार सबको ज्ञान दे देना है। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है, बाप समझाते हैं, बल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, कोई भी काम धंधा नहीं है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रखे हो फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं, युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहाँ यह है फिर भी चित्र की याद, बाबा दिखता नहीं है ना तो बाबा कैसा है, विचित्र है। यह नई बात है ना, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, नई बात होने के कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, ज्ञान तो मिल गया है, यह भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही फिर क्या बनते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही पूरा अलग है, नया है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, उसका अर्थ भी तुम जानते हो, यह तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त है जो और कोई कॉपी कर ना सके। बाबा के देखो सब वर्ड भी कैसे पूरा डिफरेंट है ना, आजकल कॉपी की कॉपी भी करते हैं, सफेद पोशधारी भी बहुत बनते हैं। हमारा ड्रेस कैसा है, व्हाइट है ना एकदम, तो दुनिया में भी ऐसे सफेद ड्रेसधारी बहुत बनते हैं, रीज रेस करते हैं, इसमें कोई कॉपी कर ना सकते। अभी तुम बच्चे समझते हो जो हम बाबा से रोज सन्मुख बैठकर सुनते हैं, बाहर में भी बच्चे समझते होंगे, मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं, आत्मा ही बाप को याद करती है, याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं पाप करते ही आए हैं। तो पाप करते ही आए हैं, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, 63 जन्मों का पाप का बोझा लेकर हम घूम रहे हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं, तमो प्रधान बनने से आधा कल्प, तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, सत्तो रजो तमो बनते आत्मा में भी होती है ना, खाद पड़ने से, वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती है। माया रावण सबके पंख काट देती है, यह भी समझने की बातें हैं। मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता नहीं, दुनिया में बोलते हैं ना हम ये करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, मोक्ष तो किसी को भी मिलता नहीं है, जन्म मरण में तो हमको आना ही है, बुलाते ही है कि हे पति पावन आकर हमें पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाप हमें शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो, तुम्हारे आत्मा में ही 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्कर पूरा किया है, आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, कितनी आत्मा छोटी बिंदी और उसमें पूरा 84 जन्मों का पार्ट है, यह वंडर लगता है, इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुमको समझ मिली है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बाप अभी समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती हो, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है, तो कितनी खुशी
होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही है। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है। किसकी पहचान मिली है? आत्मा की और परमात्मा बाप की। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही है। तुम बच्चों को पहचान मिली है। तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं, जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वह फिर रिपीट होगी। ड्रामा तो पूरा 5000 साल का है, वो फिर से रिपीट होगा ही। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं। यह कैसे होगा, क्या होगा, कैसे राज्य किया होगा, वैसे करेंगे। कल्प पहले जो किया होगा वही हम करेंगे ना। कि अभी आज की दूसरा है वहां दूसरा हो जाएगा, नहीं। 5000 साल के बाद मक्खी यहां से गई तो वापस ऐसे ही जाएगी। हम आए थे 5000 साल पहले, आए थे तो अभी आए और फिर से आएंगे आपको मिलने के लिए, है ना। वह साक्षी होकर देखना है, चिंतन करने की दरकार नहीं है कि वह क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, लाख लाख शुक्रिया कि स्वयं भगवान आके हमें पढ़ा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य साथ। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अभी कल नया साल आ रहा है तो जो भी शुभ संकल्प है उसको जरूर पूरा करना है। तो आज से सब प्लान बनाओ कि शुभ कार्य क्या क्या करना है हमें, है ना। बाबा ने बोला ना अपने तीन पैर पृथ्वी दो, तो देखो किसी ने मकान दिया था तो आज हम यहाँ सुखी से बैठे हैं। ऐसे आपका भी कहाँ गांव में कहाँ भी जगह होगा तो दे दो, क्योंकि अंतिम समय क्या होगा, कुछ भी रहेगा नहीं। अभी तो बाबा के बच्चे और बढ़ेंगे, है ना। भले अभी लॉकडाउन है तो नहीं आ रहे हैं, पर घर में बैठ के भी तो सुन रहे हैं ना सब, टीवी के माध्यम से ऑनलाइन प्रोग्राम चालू है, क्या क्या ऑनलाइन अभी तो कोर्स भी हो गया है, तो कैसे आएंगे। तो जो भी अपना है तन मन धन समय संकल्प सब बाबा को अर्पण करो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। बाबा को किसका धन चाहिए? पवित्र बच्चों का ही चाहिए ना, कि अपवित्र का? हमारा ही धन बाबा को चाहिए। तो पहले अपने को पवित्र बनाना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। एक बाबा दूसरा न कोई, तो एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा है, काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करना है कि ये कैसे होगा, कब होगा, तो कोई भी व्यर्थ चिंतन मन में नहीं रखना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं। सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करना है। सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर
श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। हमारी मत श्रेष्ठ होगी तो माया का संग दोष हमें नहीं लगेगा और हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते हैं। हाँ, कभी कभी बच्चों की कंप्लेन रहती है ना कि हमारे संबंधी नहीं सुनते हैं, संग अच्छा नहीं है। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते हैं, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। इस कारण लिख रहे हैं ना, शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। हमारी ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो हमें शक्ति भी आ जाएगी, तो शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट को देखते रहो। इसका पार्ट ही ऐसा है, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, हमने एक बार उसको सुना दिया लेकिन तो भी वो सुधरता नहीं है कुछ नहीं, तो बाबा बोलते हैं ना कि उसको साक्षी होकर देखो। परिवर्तन किसको करना है? हमें करना है। वो तो नहीं करेगा, हाँ क्योंकि उसका ड्रामा में ही वही पार्ट है। तो कभी बोलते हैं ना हमारे संबंधी ऐसे है, सुनते नहीं है, हमारा संग अच्छा नहीं है, तो बाबा ऐसे बोलते हैं। तो एक उसका उस पार्ट को कैसा देखना है? साक्षी होकर। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो। अपने सत्वगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। बाबा का संग होगा तो कोई भी तमोगुणी का संग हमें असर नहीं करेगा ना। आज का स्लोगन है, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म तो करना ही है ना, आत्मा ही है तो कर्म करना ही है। तो कर्मयोगी बनकर वह है, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अभी अभी कर्म किया, अभी अभी उपराम हो जाओ, जैसे कुछ किया ही नहीं तो ऐसे उपराम स्थिति में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। आज प्यारी दीदी, मीठी दीदी, गीता दीदी विशेष वीटी बॉम्बे से हैं, उनके मुख द्वारा हमने मुरली सुनी, आपका लाखों शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, हमको भी चांस दिया, आपका भी धन्यवाद। और हमारे परिवार यहाँ के जो भी परिवार है सभी को लाख लाख पदम गुणा, बाबा को शुक्रिया। और आप सबका भी प्यार था जो हमें यहाँ खींच कर लेके आया है ना। ओम शांति। ओम शांति।